विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। इसी मंत्र के अनुरूप परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। एक शहर से दूसरे शहर का रुख करने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, उनका स्कूल जाना न छूटे, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए तैयार हैं अटल आवासीय विद्यालय। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी कर्मयोगी सरकार ने स्वयं उठाई है। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ ही उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में 1,000 विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 तक निशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। विद्यालयों में प्रवेश पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर होंगे। स्मार्ट क्लास, शारीरिक और तकनीकी शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। बच्चों को अत्याधुनिक हॉस्टल एवं पोषण युक्त भोजन की सुविधा मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ निराश्रित और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य से आच्छादित बच्चे भी शिक्षित होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। अटल आवासीय विद्यालयों में एक ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समावेश और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को पाठ्यक्रम में प्राथमिकता पर शामिल किया गया है, तो वहीं व्यावसायिक, पर्यावरण, कौशल विकास, प्रायोगिक और सामाजिक शिक्षा को भी वरीयता दी गई है। ये CBSE के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेके 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और BOC बोर्ड उठाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन विद्यालयों का बेहतर संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत गठित अटल आवासीय विद्यालय समिति करेगी, जिसके लिए 2250 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। मेरा नाम अनिकेत गंगवार है, मेरे पिताजी मजदूर हैं। मैंने, मेरे परिवार ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतने बड़े स्कूल में आने को मिलेगा, इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अटल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य संवारने में उपयोगी भूमिका निभाएंगे। उज्जवल भविष्य का आधार डबल इंजन की सरकार।